नमस्कार, मैं डॉक्टर कुसुम मित्तल आज आपको उपभोक्ता की समस्याएं एवं संरक्षण के बारे में बताऊंगी। आज हम देखते हैं कि जो भी वस्त्र विज्ञान है उसके क्षेत्र में बहुत सारी प्रगति हो गई है, उन्नति हुई है, नई नई टेक्नोलॉजी आ गई है। इसलिए आज हम देखते हैं कि तरह तरह के रेशों का निर्माण होने लग गया और हम ये पहचान नहीं पाते कि इसमें से कौन सा वस्त्र ओरिजिनल है और कौन सा वस्त्र डुप्लीकेट है। ना हम उसकी प्राइस पहचान पाते हैं और ना हम उसकी जो क्वालिटी है उसका अंदाज़ा लगा सकते हैं। इसलिए आज हम देखते हैं कि उपभोक्ता की समस्याएं भी बहुत बढ़ती जा रही है। बहुत अच्छे अच्छे कपड़े लाते हैं, थोड़े से समय बाद उनका रंग खराब हो जाता है, उनकी प्रिंट खराब हो जाती है। कुछ वस्त्र एक बार पहनने के बाद ही वो अपनी जगह से स्थान छोड़ देते हैं या उनके जो रेशे हैं वो खिंच जाते हैं और उससे कई सारी प्रॉब्लम हो जाती है। कपड़ा हमारा सारा जो कपड़े के ऊपर जो पैसा खर्च किया है वो ख़त्म हो जाता है। कभी कभी हम ऐसे कपड़े भी पहनते हैं जिसके कारण हमारे एलर्जी हो जाती है, जैसे स्किन एलर्जी हो जाती है, कई सारी बीमारियाँ हो जाती है। तो आज इससे उपभोक्ताओं को बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। उपभोक्ता की समस्याएं केवल खाने पीने तक ही सीमित नहीं है, वस्त्रों तक भी सीमित होती है कि कई बार उपभोक्ता बहुत सुंदर, आकर्षक, बहुत महंगे कपड़े लाते हैं लेकिन उसको यूज़ करते समय पता चलता है कि वो बिल्कुल घटिया निकले, ख़राब निकले, एक बार पहनने के बाद ही वो काम में लेने लायक नहीं है। तो उपभोक्ता को जागरूक होना चाहिए कि अगर उनके ऐसे वस्त्र निकल जाते हैं तो उसको वापस उसकी शिकायत दुकान वालों को जाकर करें। कई बार हम भी करते हैं कि चलो ठीक है, कपड़ा लाए उसका रंग निकल जाता, सोचते कौन दुकान पर जाए। अगर ऐसा ही सोचने लगे तो दुकान वाले हमेशा घटिया कपड़ा बेचना शुरू कर देंगे। इसलिए उपभोक्ता को ठगा नहीं जाना चाहिए, उपभोक्ता को अवेयरनेस होनी चाहिए कि उनको कैसे प्रोटेक्शन लिया जाए। उपभोक्ता की जो समस्याएं होती है उसमें सबसे पहले निरक्षरता या इलिटरेसी। भारत में सबसे ज़्यादा जो समस्या आती है उपभोक्ताओं को वो आती है उनकी अज्ञानता। अज्ञानता के कारण दुकानदार उपभोक्ता को डुप्लीकेट कपड़े दे देते हैं और डुप्लीकेट कपड़ा भी ओरिजिनल प्राइस में दे देते हैं, जिससे उपभोक्ता ठगा जाता है। इसलिए उपभोक्ता को थोड़ा सा, अगर वो लिटरेट है तो उसको जानकारी होगी, वो कपड़े पे टैग लगा हुआ उसको भी पढ़ सकता है, लेकिन अज्ञानता के कारण वो उन पर लेबल वगैरह नहीं पढ़ सकता। ये सबसे बड़ी उपभोक्ता की समस्या है। फिर वस्त्रों की परख नहीं होती है, चाहे वो पढ़ा लिखा हो चाहे वो अनपढ़ हो। जिसको वस्त्रों की परख नहीं होती है वो भी कई बार डुप्लीकेट कपड़ा खरीद के ला सकता है। आजकल हम देखते हैं कि कुछ कपड़े बिल्कुल ओरिजिनल, जिस उन पर जो फिनिशिंग दी जाती है, उनका कलर प्रिंट दिया जाता है, वो बिल्कुल ओरिजिनल के समान होता है और दुकानदार भी उसको इस तरह से प्रेजेंट करता है कि उपभोक्ता उससे एकदम मोटिवेट हो जाता है और उसको लगता है कि जो वो कह रहा है वो बिल्कुल सही है। और हम वस्त्रों को की परख नहीं होने के कारण उसको ज़्यादा मूल्य दे के खरीद कर लेकर आ सकते हैं, आ जाते हैं, क्योंकि कई बार हमें पता ही नहीं चलता है कि ये कपड़ा ओरिजिनल है या डुप्लीकेट है, क्योंकि वो बिल्कुल ओरिजिनल जैसे ही दिखाई देता है। फिर झूठे विज्ञापन। वर्तमान समय में हम लोग विज्ञापन के द्वारा बहुत सारी चीज़ें खरीदते हैं। जो भी चीज़ें हम खरीदते हैं ज़्यादातर विज्ञापन में देख देख के खरीदते हैं और आजकल तो फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर हम देखते हैं कि बहुत सुंदर सुंदर वस्त्रों के विज्ञापन होते हैं, साड़ियाँ, सूट इस तरह से प्रेजेंट होती है कि हमें लगता है बहुत सुंदर है। जो मॉडल्स पहनती हैं उनको देख के हमें लगता है कि शायद हम पहनेंगे तो हम भी उसी के समान दिखेंगे और उस विज्ञापन के द्वारा मोटिवेट होकर हम बहुत सारी ऐसे कपड़े खरीद लेते हैं कि जब वो अपने पास आते हैं या जब हम उन्हें खरीदते हैं तो ऐसा लगता है कि हम विज्ञापन के जाल में फंस गए हैं और हमारे पास घटिया वस्त्र। विज्ञापन में जो चीज़ें दिखाई जाती है वो अधिकतर ज़्यादातर घटिया क्वालिटी की होती है, निम्न कोटि की होती है और इस तरह से पैकिंग करके भेज दी जाती है कि हम लोग उसको बहुत सुंदर समझ के ले लेते हैं।
तो हमें ये भी ध्यान रखना चाहिए कि विज्ञापन से कभी भी प्रभावित नहीं होना चाहिए। फिर उपभोक्ता की मानसिकता, उपभोक्ता ये मानता है, एक मानसिकता होती है हर उपभोक्ता की कि जो चीज़ महंगी वो हमेशा अच्छी होगी। मतलब जो कपड़ा हम सोच रहे हैं कि 10 रुपये मीटर है वो तो घटिया है और जो 100 रुपये मीटर है वो अच्छा है, उस मानसिकता के कारण भी जो दुकान वाले हैं वो क्या करते हैं कि सस्ती चीज़ को भी ज़्यादा रेट बताकर बेचते हैं और हम सोचते हैं कि जो ज़्यादा रेट वाला है वो हमेशा अच्छा कपड़ा है। ऐसा नहीं होता है। जब दुकान वाला मानसिकता समझ लेता है तो वो सस्ती रेट वाले कपड़े को भी महंगा बताकर बेचता है। आप देखते होंगे कि कई बार दुकान वाले जो मैडम मर्सिडीज़ में उतरती है उनको वही चीज़ 100 रुपये में बेचते हैं और जो साइकिल पे आती है या स्कूटर पे आती है वही चीज़ उनको 50 रुपये में बेच देते हैं। तो उनका जो दुकान वाला है वो उपभोक्ता की मानसिकता को देख के और उसको मतलब कीमत जो होती है वस्त्र की वो बढ़ाकर बताते हैं। इससे धन का भी अपव्यय होता है और हमें ओरिजिनल चीज़ नहीं मिल पाती है। धन्यवाद।